मेरा चैनल। आज संडे है, आज संडे में कुछ स्पेशल होगा। हर किसी के घर पे संडे में कुछ स्पेशल होता है, तो मेरे घर पे भी कुछ स्पेशल होने वाला था, लेकिन कुछ प्लान भी चेंज हो गया। आप लोगों में से काफी सारे मेरे जो फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था बंगाली फिश का कुछ रेसिपी बनाओ, बंगाली डिशेस बनाओ, तो मैंने सोचा था आज बंगाली में मैं फिश फ्राई बनाऊंगी और उसके साथ जर्दा पुलाव जो बंगाली स्टाइल में होता है वो बनाऊंगी और बंगाली चने की दाल, बंगाली स्टाइल में चने की दाल बनाऊंगी। लेकिन मेरा प्लान कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मेरा केरलियन फ्रेंड ने मुझे अवियल और सांभर देके गए, तो अवियल मेरे बहुत फेवरेट है, उनको पता था, तो वो तो मैं मतलब छोड़ ही नहीं सकती और कुछ बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ आज राइस बनाऊंगी और ये देखिए मेरे फ्रेंड ने देखे गया, अवियल एक केरलियन फेमस डिश है, ये मेरी बहुत फेवरेट है और मैं ये किसी और दिन बना के आपको दिखाऊंगी। और ये है सांभर, तो मुझे इसलिए मेरा काम आसान हो गया और मुझे बाहर जाना था, मेरी डॉटर का स्कूल का शूज खराब हो गया तो वो लाने जाना था, तो मैंने बोला ठीक है चलो जल्दी जल्दी में, आज तो मेरा अच्छा ही हो गया मॉर्निंग में, दिन भी अच्छा हो गया। तो मैं सिर्फ आज फिश फ्राई बनाऊंगी, दूसरे किसी दिन मैं वो राइस जो जर्दा पुलाव और चने की दाल मैं किसी और दिन बनाऊंगी। और जो फ्रेंड्स मेरी नॉनवेज नहीं खाते मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो फिश फ्राई का पोर्शन है ये आप स्किप कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी एक जगह, वहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड का फैक्ट्री आउटलेट्स है, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी, उस जगह का नज़ारा भी दिखाऊंगी, बॉम्बे के कुछ झलके मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल बटन आता है वहाँ पे वो जरूर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये फिश फ्राई के लिए मैंने फिश लिया है, ये नॉर्मली भेटकी से बनता है लेकिन मुझे भेटकी नहीं मिला, क्योंकि हमेशा यहाँ पे भेटकी नहीं मिलती, तो ये एक रावस फिश है, शिप फिश है, इसे मैं बनाती हूँ और खाने में एक ही जैसा टेस्ट लगता है मुझे, वो भी बोनलेस ही है, सेम जैसा दिखने में भी सेम जैसा है फिश का फिले, तो इसको मैं जिंजर गार्लिक से मैरिनेट करूंगी, जिंजर गार्लिक और सॉल्ट। मैरिनेट करके 10 मिनट रखूंगी, मैं ज्यादा देर नहीं रखती क्योंकि फिश में मैरिनेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं ये मैरिनेट करके इसको 10 मिनट रखूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। अभी मेरा 10 मिनट हो चुका है, फिश मैरिनेट भी हो चुका है और उसके लिए चाहिए मैदा, ब्रेड क्रम्स और एक अंडा। अंडे को मैं फेंट लेती हूँ, पहले जो फिश है उसको मैदे में कोट करूंगी ताकि जो उसमें जिंजर गार्लिक दिया हुआ है वो निकल नहीं जाए, उसके बाद मैं एग में उसको डिप करूंगी। उसको इस हिसाब से दबा के ब्रेड क्रम अच्छी तरह से लगाना है। अभी देखिए मैंने सारे फिश फ्राई का जो कोटिंग है वो मैंने कर लिया और ये जगह कितना गंदा हुआ है इसको मैं साफ कर लेती हूँ। अभी देखिए मेरा गैस ऑन हो चुका है, मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया और मैं मस्टर्ड ऑयल में ये फ्राई करूंगी, क्योंकि बंगाली स्पेशल टाइप का अगर बंगाली फ्लेवर ये फिश में अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है, अगर कोई नहीं करना चाहते तो वो सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। इसको नॉर्मली डीप फ्राई करते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। अभी देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके इसके अंदर फ्राई करूंगी।
और देखिए फिश फ्राई का जब तक ये पोर्शन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक पलटना है। मेरी डॉटर लेके यहाँ से उसको फिश फ्राई बहुत पसंद है। अभी देखिए मेरा फिश फ्राई बन चुका है और मैंने राइस भी बना के रखा है, ब्राउन राइस। मुझे डॉटर को ब्राउन राइस बहुत पसंद है और ये सब्जी मैं गर्म कर लूंगी और अभी हम लोग खाना खाएंगे। और देखिए ये ब्लैक सॉल्ट है, ये फिश फ्राई के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मस्ट है, ये देते ही है फिश फ्राई के साथ बंगाली में, इसलिए पहले से थोड़ा सॉल्ट आप कम दीजिएगा। ये अवियल और फिश फ्राई दोनों बहुत टेस्टी है और सांभर भी बहुत टेस्टी बना है। मैंने सोचा नहीं था केरला और बंगाल का दोनों का फूड एकदम मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत टेस्टी लग रहा, टू गुड। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं लोअर परेल और वहाँ पे मेरी डॉटर का शूज खरीदना है, तो चलिए। देखिए मुंबई का ट्रैफिक संडे के दिन में एज यूजुअल इतना ट्रैफिक रहता है। ये है मुंबई की लोअर परेल एरिया। मैंने पीछे का तरफ पार्किंग किया बैक साइड में और मेन रोड के तरफ मैं जाऊंगी। ये पूरी रेजिडेंशियल एरिया है और मेन रोड के ऊपर मार्केट है। ये जो सारे शॉप आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री आउटलेट है, हर एक ब्रांड का ही फैक्ट्री आउटलेट यहाँ पे है और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर डिस्काउंट मिलता है। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छा लगता है और इसका एग्जैक्ट लोकेशन है परेल लालबाग फ्लाईओवर के जस्ट पहले ही। अगर आप सिटी के तरफ मतलब CST के तरफ अगर आप जा रहे हो, लालबाग फ्लाईओवर स्टार्ट होने से जस्ट पहले ही ये लेफ्ट साइड में सारे शॉप है। अभी हम जा रहे हैं नाइकी के स्टोर में क्योंकि मेरी डॉटर का स्कूल शूज़
नाइकी का ब्लैक शूज चाहिए, तो इसलिए वही ढूंढने जा रहे हैं, मिलता है या नहीं मिलता है देखते हैं। अभी हम आए हैं सायन गुरु कृपा में कुछ खाना लेने, क्योंकि यार रात का कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ यहाँ से ले लूँगी। छोले समोसे इनका बहुत फेवरेट है। गुरु कृपा की गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद आते हैं। अभी हम लोग फालूदा खाएंगे। ये खा रही हूँ मैं आइसक्रीम फालूदा, बहुत टेस्टी है। और ये बहुत फेमस है इनका, गुरु कृपा का। अभी देखिए मेरी डॉटर अपनी शूज खोल रही है, स्कूल का शूज एक ही है, सेम जैसा ही है, फिर भी नया शूज है। बच्चों को मजा आता है नया शूज। बस बाद में पहनना। देखिए मैं रात के डिनर के लिए छोले समोसा और गुलाब जामुन लाई हूँ, थोड़ा सा चटनी भी है, और मैं थोड़ा सा पराठे बनाऊंगी, क्योंकि उनका छोले समोसा देख के रहा नहीं गया, और उनके छोले समोसा बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है, और गुलाब जामुन भी, क्योंकि मैं 5-6 महीना बाद गई ना तो रह नहीं पाई, और मैं यही खाऊंगी आज रात के डिनर के लिए। अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।